आम आदमी पार्टी गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए एस्पिरेंट शरण आईटी ने कॉमर्स इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में हुए करोड़ों के घोटाले का आरटीआई के जरिए पर्दाफाश किया है। शरण आईटी ने आरटीआई के जरिए गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर की एक रिपोर्ट निकाली है, जिसमें ऐसे कई नाम सामने आए हैं जिसमें लाखों करोड़ों का घोटाला किया गया है। शरण आईटी ने कहा, इंडस्ट्रियल सब्सिडी उन लोगों को दी जाती है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं, जो अपना खुद का कोई प्रोडक्ट बनाकर बेचना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऐसे इंडस्ट्रियल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए 25-40% तक सब्सिडी लोन दे रही है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कई बेरोजगार नौजवान हैं जो सब्सिडी लोन हासिल कर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन अफसोस गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में सब्सिडी लोन जरूरतमंद नौजवानों को देने के बजाय उन लोगों को दिया जा रहा है जो किसी एमएलए एमपी एमएलसी या किसी बड़े नेता के रिश्तेदार हों या फिर उनके करीबी दोस्त हों या आगे पीछे घूमने वाले हों। आप अगर इस लिस्ट में मौजूद नाम को ठीक से देखें तो इनमें ज़्यादातर वो नाम हैं जिनका दूर दूर तक इंडस्ट्रियल बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। शरण आईटी ने कहा, इंडस्ट्रियल बिजनेस सब्सिडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देना चाहिए, पर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में रेडीमेड शॉप्स, टू व्हीलर शोरूम, फोर व्हीलर शोरूम, वाटर वॉश और फोटो स्टूडियो जैसे बिजनेस करने वालों को भी लाखों करोड़ों का सब्सिडी दिया गया है। आरटीआई के जरिए निकाली गई इस लिस्ट में शाह मोटर्स, भारत मोटर्स, बिलगुंदी और दीगर लोगों के नाम शरण आईटी ने आवाम के सामने लाए हैं। शरण आईटी का कहना है, टोटल 50 करोड़ का घोटाला किया गया है, जिससे शहर के नौजवानों की बेरोजगारी खत्म की जा सकती थी। इस वीडियो को देख गुलबर्गा शहर के बेरोजगार नौजवान ही अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह आपके अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपको धोखा देकर अपने करीबी लोगों का फ़ायदा कर रहे हैं। नमस्ते सभी आवाम को मेरा नमस्कार और सलाम। मैं शरण आईटी, आम आदमी पार्टी नॉर्थ एमएलए एस्पिरेंट इन 2023। हमेशा तरह मैं क्या बोलते पब्लिक के बीच में, हाँ, क्या आजकल गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, डिस्ट्रिक्ट में घोटाला हो रहा, वो घोटाला आपका बीच में लेके आ रहा हूँ, मैं लेके आया हूँ। आज का दिन में हम DIC गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स DIC का घोटाला लेके आया हूँ। बोले तो ये घोटाला क्या है, बोले तो एक बिजनेसमैन को सब्सिडी देते बिजनेस करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज कॉमर्स से DIC से सब्सिडी देते। वो किसके लिए देते बोले तो उन्हों मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, एग्जांपल बोलो बोले तो दाल मिल डालने के लिए, और ये ईट फ्लाई ऐश का ईट बनाते ना वो, और पेवर्स बनाते ना वो, और कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते आपका इन्वेस्टमेंट करके वो प्रोजेक्ट के ऊपर सब्सिडी देते। एग्जांपल बोलना बोले तो एक दालमी के लिए 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, हाँ, आप आपका जेब से, हाँ, 25 लाख डाल रहे, 75 लाख लोन ले रहे बैंक से, बोले तो 1 करोड़ हो गया। वो 1 करोड़ पूरा क्या वो दालमिल बनाने में, लैंड लेने में, जगह लेने के लिए और बिल्डिंग बनाने के लिए, उधर मशीनरी डालने के लिए क्या खर्चा आता ना वो करोड़, 1 करोड़ रुपये, वो टोटल बजट में 25% DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज कॉमर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स से आता है पैसा, वो सब्सिडी देते हो वो पर्टिकुलर बिजनेसमैन को। वो वेरिएशन है 25 से लेके 40 तक है, डिपेंड, जनरल कैटेगरी रहे तो 25 है, वुमन रहे तो 5% ज़्यादा है, SC ST रहे तो 5-10% ज़्यादा है, ऐसा है। अभी क्वेश्चन मार्क क्या आ रहा बोले तो, मैं ये RTA डाला था टोटल लास्ट 5 साल में, हाँ, कितना कुछ आप सब्सिडी दिए, कितना अमाउंट दिए बोले तो करीब 200 यूनिट, हाँ, का सब्सिडी दिए सो है, वो 200 यूनिट मिला के टोटल 50 करोड़ का हिसाब है टोटल सब्सिडी दिए सो, हाँ, उसमें आधा पक्के हैं, आधा कच्चे हैं। कच्चे बोले तो आप समझ गए होंगे, कच्चे बोले तो पूरा घूस भ्रष्टाचार करके सब्सिडी दिए सो है। किसको दिए वो सब्सिडी? MLA MP MLC ये सभी चुनावी प्रतिनिधि है ना, उनका फॉलोअर, राइट लेफ्ट उनके साथ में रहने वाले का, उनका सिफारिश हुए सो, और ऑफिसर का चाहने वाले का उनको दिए सो है। आप ताजुबा होते, मैं कई एग्जांपल दिए तो कि कैसा घोटाला है बोल के, हाँ, एक दालमिल को 1.5 करोड़ दिए सो है। ये देखिए आप, इधर 1.5 करोड़ रुपये सिर्फ सब्सिडी दिए, वो कहाँ है यूनिट? तावरगरा विलेज डिस्ट्रिक्ट कलबुर्गी बोल के, वो दालमिल को 1 करोड़ दिए सो है, इधर गुलबर्गा में, बोले तो बहुत ताजुबा है। सेकंड फेज इंडस्ट्री में एक है, ऐसे कई इंडस्ट्रीज है उसमें 50 लाख, 1 करोड़, 30 लाख, 40 लाख, 60 लाख ऐसे सब्सिडी दिए सो है।
और एक है इसमें इंडस्ट्रीज को देना बोल के क्लियर कट रूल्स है, सब्सिडी देना बोल के, वो छोड़ के नॉर्मल बिजनेस करते ना वो लोगों को नहीं देना बोल के है क्लियर कट वो पॉलिसी में। फिर भी इधर DIC जॉइंट डायरेक्टर असिस्टेंट जॉइंट डायरेक्टर मिलके दोनों मिलके उनका सीधा 10% है कहते हैं। मैं सबको पूछ लिया कितना लोग सब्सिडी लिए और उधर इधर सभी बिजनेसमैन को मिलके पूछे तो सीधा उनका कट 10% है कहते हैं। फाइल अप्रूवल होने के पहले 6%, चेक आने के बाद 4% है कहते क्लियर कट। बोले तो 10% ले रहे बोले तो अब तक 50 करोड़ सैंक्शन होके डिस्पर्समेंट हुआ लास्ट 5 साल में, बोले तो 5 करोड़ सीधा सीधा उनका जेब में ही है। एग्जांपल देना बोले तो थोड़े गारमेंट्स रेडीमेड्स है ना, रेडीमेड शॉप को दिए सो है रेडीमेड शॉप, एक रेडीमेड शॉप को इधर देखिए 26 लाख रुपए दिए ना, 26 लाख चिल्लर उन्होंने रेडीमेड शॉप को दिए सो है 26,86,500 रुपीज़ ये सब्सिडी रेडीमेड शॉप को दिए सो है। वो छोड़ के कई वाटर वॉशिंग रहता ना, वाटर वॉशिंग हम कार टू व्हीलर का वाटर वॉशिंग कराते हैं ना वो लोगों को भी दिए सो है। वो छोड़ के व्हील अलाइनमेंट को दिए सो है और एक फर्म है जीन्स एंड टी शर्ट बेचते कहते उनको भी दिए सो है। वो छोड़ के ऑफसेट प्रिंटिंग करने वाले को दिए सो है, वेयरहाउस को दिए सो है और डिजिटल प्रिंटिंग बोल के, एक डिजिटल प्रिंटिंग तो क्लियर कट 40 लाख रुपये 46 फोटो स्टूडियो है उनको, फोटो स्टूडियो वाले को 46 लाख रुपीज़ दिए सो है वो सुपरमार्केट में है। और एक फ़ोटो स्टूडियो है सिटी बस स्टैंड के सामने डिजिटल प्रिंटिंग उनको 26 लाख दिए सो है। हाँ वो दिन में लूटी करने का काम चल रहा है टोटल। ऐसा हुआ तो इंडस्ट्रीज कैसे डेवलपमेंट होता है गुलबर्गा जिला में, स्पेशली फर्स्ट फेज इंडस्ट्री एरिया कपनूर, सेकंड फेज इंडस्ट्री एरिया कपनूर और नंदूर इंडस्ट्री एरिया। इंडस्ट्री होना बोले तो क्यों गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहे बोले तो जॉब क्रिएट होना है लोगों को। इधर कितने सारे एक डिस्ट्रिक्ट में लोग पढ़ते रहते हैं, ITI बच्चे, डिप्लोमा बच्चे, BA KSO और वेरियस कोर्सेस ग्रेजुएशन किए से लोगों को लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना, इधर का इकोनॉमी बूस्ट होना बोल के वो सब्सिडी दे रहे। वो सब्सिडी कहाँ से दे रहे, हम सब आम जनता टैक्स भरे से पैसे वही सब्सिडी के रूप में वो बिजनेसमैन को देते, वही सब्सिडी सीधा सीधा वो घोटाला करके जॉइन क्या बोलते DIC ऑफिसर्स और ये MLA MP MLC के पीछे आगे रहने वाले फॉलोअर्स वो लोग सीधा फेक इंडस्ट्रीज बता के और वो इंडस्ट्री में आते नहीं है वो दिखा के सब्सिडी ले रहे बोले तो सीधा पॉकेट में जाता, वो पैसा रोटेशन में नहीं होता, सीधा उनका प्रॉपर्टी खरीदने का कुछ इन्वेस्टमेंट में जाता, उससे इकोनॉमिकल को बूस्ट नहीं होता और रिस्ट्रक्चर नहीं होता, किसी को जॉब नहीं मिलता कुछ नहीं, वो सीधा सीधा स्टैग्नेंट हो जाता है। हाँ इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हम मांग करते हैं कि DIC वाले को इमीडिएट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब क्या रहते उसको की पर्सन रहते उन्हों भी ये न्यूज़ को और इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करना चाहिए। और आगे वाले दिनों में हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर श्री मुर्गेश निरानी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर इंडस्ट्री कॉमर्स का मिनिस्टर है उनको भी मिलकर हम मेमोरेंडम देने वाले हैं। और एक दो एग्जाम्पल बोलता हूँ बहुत आप शॉक होते हैं, हमारा शाह हुंडई और शाह हुंडई का दो कार शोरूम है, एक कपनूर रोड पे शाह हुंडई है आगे शाह मोटर्स बोल के है महिंद्रा का, वो दोनों फर्म आप देखिए इधर 50-50 लाख रुपीज़ सब्सिडी लिए सोए, क्लियर क्लियर बता रहे कि 50-50 लाख रुपीज़ सब्सिडी लिए बोल के। वो छोड़ के भी अभी दो मोटर्स हैं किनके, भारत होंडा एक टू व्हीलर है गंज में और एक भारत होंडा कार शोरूम है ये इंडस्ट्री गेट के पास फर्स्ट फेज, उनको 55-55 लाख रुपए दिए बोल के इधर क्लियर कट बता रहे कि 55-55 लाख दिए बोल के। ये भी सर्विस सेक्टर में होता, वो शोरूम डिस्ट्रीब्यूटर है डीलर है, वो कार बेचने का टू व्हीलर बेचने का डीलर है, उनको कैसे सब्सिडी दिए बोल के बहुत क्वेश्चन मार्क है। वो छोड़ के भी इधर बिलगुंदी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड सर्वे नंबर 80 कपनूर उनको भी दिए, उनको 45 लाख दिए बोले तो कार डीलर्स को भी और टू व्हीलर डीलर्स को भी आप 50-50 लाख का सब्सिडी देते बोले तो क्या है। अभी आगे वाले दिनों में इसमें टोटल एक 100 पर्सन्स
झूठे और एलिजिबल नहीं है सो लोगों सब्सिडी लिए सो है वो करीब 30-40-50 लाख 1 करोड़ तक वो भी आगे वाले दिनों में आपके सामने रखेंगे। वो वो यूनिट कहाँ कहाँ बोल के मेंशन करके लिए ना उधर जाके हम वीडियो कराते हैं कि उधर यूनिट है क्या नहीं है और कितने इन्वेस्टमेंट किए वो सही है झूठ है कितने लिए बोल के। अभी ये एपिसोड फर्स्ट है, इससे आगे 10 एपिसोड आते क्या टोटल DIC का घोटाला आया बोल के उसके लिए हम रेडी हैं।